अहमदाबाद स्थित हर वर्ष श्रवण मास के अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। लाला ओम प्रकाश मेमोरियल ट्रस्ट के तत्वावधान में पुरुषोत्तम मास में वृंदावन से पधारे बाल विकास कपिल देव जी महाराज की मुख अरविंद से उपस्थित सभी श्रोताओं को श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराया गया। श्रीमद् भागवत कथा के विश्राम दिवस पर सर्वप्रथम भक्तों द्वारा हवन कुंड में आहुतियां प्रवाहित कर विश्व में अमन और शांति के साथ ही जन कल्याण के लिए प्रार्थना की गई। हवन पूजन पंडित राजेंद्र कुमार शर्मा द्वारा पूर्ण वैदिक मंत्र करण के साथ संपन्न कराया गया। हवन के पश्चात कथा व्यास जी लाला ओम प्रकाश मेमोरियल ट्रस्ट परिवार के समस्त सदस्यों द्वारा बाल व्यास कपिल देव जी महाराज का तिलक लगाकर एवं फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया गया। तो वहीं व्यास पीठ से कथा व्यास जी द्वारा सभी कार्यक्रम आयोजकों के साथ ही गणमान्य व्यक्तियों और कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित श्रोताओं को आशीर्वाद प्रदान किया गया। इसके पश्चात उपस्थित सभी भक्तों को भगवान को लगाए गए प्रसाद के भंडारे के रूप में वितरण किया गया, धर्म लाभ अर्जित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से महापौर विनोद अग्रवाल, महेंद्र चंद्र अग्रवाल, मुकुल बंसल के साथ ही लाला ओम प्रकाश मेमोरियल ट्रस्ट परिवार के समस्त सदस्यों के साथ बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक और हरिभक्त उपस्थित रहे। पूरा नाम पंडित रविश पाठक, ये श्री महाकालेश्वर मंदिर है। मैं यहाँ पर मुख्य पुजारी के रूप में सेवा करता हूँ। यहाँ पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में 2 अगस्त से लेकर के और 8 अगस्त तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रहा था। इस कथा के मुख्य व्यास श्री कपिल देव महाराज जी रहे थे, जो कि वृंदावन से बधा रहे हैं। बड़े मार्मिक प्रसंगों के साथ उन्होंने कथा का वर्णन किया और आज कथा के उपरांत हवन का आयोजन रहा। हवन के उपरांत भोग प्रसाद भंडारे का आयोजन है। ऐसा माना जाता है कि पुरुषोत्तम मास में एक क्षण भी भगवान की भक्ति की जाए तो अनंत फल देने वाली है। 2 चीज़ें जीवन में मनुष्य के लिए बड़े सुलभता से मिल जाती हैं। 3 चीज़ें सुलभ से मिलती हैं, परंतु 2 चीज़ें बड़ी दुर्लभ हैं, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, संत समागम हर कथा तुलसी दुर्लभ हो, सुख दारा और लक्ष्मी ही ये पापी के। भगवान की कथा और संतों का संग, ये बड़े सौभाग्य से मनुष्य के लिए प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि केवल भगवान की कथा कराने से ही या मंदिर जाने से, देवालय में जाने से, ऐसे 4 चीज़ों का फल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। मुखो पवित्रम यदि राम नामम, हृदय पवित्रम यद ब्रह्म ज्ञानम, चरणों पवित्रम यद तीर्थ गमनम, हस्तौ पवित्रम यद पूर्ण दानम। हम किसी भी देवालय में, किसी भी तीर्थ में, किसी भी भगवान के तीर्थ धाम में जाते हैं तो वहाँ जाकर के स्वतः ही मुख से भगवान का गुणगान होने लगता है। जैसे भगवान के द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं, वहाँ जाते हैं तो हर हर महादेव का गुंजार करते हैं, वृंदावन जाएंगे तो राधे राधे का स्मरण होता है, और राम जी का दर्शन कराने लाएंगे जाएंगे तो जय सीताराम जय श्री राम का स्वयं ही उच्चारण होने लगता है। तो भगवान का नाम लेने से जीवात्मा का, मनुष्य का मुख पवित्र होता है। मुखो पवित्रम यदि राम नाम, भगवान का नाम लेने से मुख पवित्र होता है। हृदय पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, कथा सुनने से, सत्संग करने से हृदय की शुद्धता होती है, क्योंकि हृदय में राम जी रहते हैं। चरणों पवित्रम यदि तीर्थ गमनम, और किसी भी मंदिर तीर्थ में जाने से मनुष्य के चरण ही पवित्र हो जाते हैं। हस्तौ पवित्रम यद पूर्ण दानम, हम जो मेहनत करके धन कमाते हैं उसमें से कुछ जो हम दान करते हैं, जो धर्मार्थ में लगाते हैं उससे हाथ और धन दोनों पवित्र हो जाते हैं। तो केवल श्रीमद् भागवत की कथा या राम कथा या किसी भी धार्मिक अनुष्ठान करने से मनुष्य के लिए 4 चीज़ों का फल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। तो पूरी जनता जनार्दन से ये आग्रह है कि वो अधिक से अधिक इस पावन पुरुषोत्तम मास में, श्रावण मास में अत्यधिक ऐसे आयोजन करते और कराते रहें।